Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. Electromagnetic induction ka motional EMF बोल के जो पार्ट है उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मेरा सब टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है, इसके कारण जो ईएमएफ जेनरेट होता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, 2010 में आया था। 2010 का क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। When a rod of length L is rotated with angular velocity of omega in a perpendicular field of induction B about one end, comma, the EMF across its ends is A option is B L square, capital L लिखा है, L square omega, B option is B L square omega upon 2, C is B L omega and D is B L omega upon 2. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। डिफरेंट वे डिफरेंट टीचर्स एक्सप्लेन इट। आई विल टेक द वेरी फंडामेंटल फैराडेज लॉ। उधर से देखेंगे क्या बोल रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कंसीडर किया ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज मूविंग इनटू द बोट, इधर से इधर परपेंडिकुलर टू द बोट एंड इनटू द बोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक रॉड है, लेंथ है जिसका एल, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग, ठीक है। ओमेगा इज इट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा About one end, EMF across the rod चाहिए, EMF across the rod चाहिए। मैं पकड़ लेती हूँ, d theta इसने motion किया in time dt, let the rod make d theta in time dt and ओ ए पकड़ लू, ओ ए बी तीन पॉइंट ले लेती हूँ, हाँ, एंड ए पॉइंट मत लिखो, पी लिखो, क्योंकि ए का दूसरा काम आ जाएगा, एंड पी पॉइंट मूव्स टू पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ds, a वाला डिस्टेंस जो है ds है, कोई प्रॉब्लम। दिस l लेंथ वाला जो रॉड है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रदर d थीटा एंगल बनाया dt टाइम में एट ds, p पॉइंट मूव किया, ds लीनियर डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बात कर रहा है तो फैराडे लॉ because it is induced EMF, this is the one and only one law. क्या बोल रहा है, induced EMF equal to modulus ले लो, Lenz's law नहीं आएगा, minus sign नहीं आएगा, आएगा क्या, d phi dt, rate of change of flux generates the induced EMF, rate of change of magnetic flux बोल सकते हो। DDT लिखो, DDT phi क्या होता है, phi का डेफिनेशन क्या है, B dot A, since phi equal to B dot A, ये सब आपको मालूम है। A क्या है, एरिया वेक्टर है, B क्या है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है, दिस एरिया, जो एरिया उसने बनाया, दैट एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, B तो कांस्टेंट है इन योर प्रोग्राम, तो B आ जाए बाहर, dA dt आ गया, ठीक है। नाउ ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ, इसका एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया दिस रॉड इज मेकिंग, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एरिया, एरिया ऑफ OPQ क्या होता है, एरिया
हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस बोले तो एल, हाइट बोले तो डीएस। नाउ डू वी नो डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई एल, टेन थीटा से आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, व्हेन थीटा इज स्मॉल टेन थीटा इक्वल टू थीटा, वो लिख लिया। सो डी एस आ गया एल डी थीटा। ये जो एंगल ओ ओ ए क्यू ओ पी क्यू बोल रहे हो, दिस इज योर डी ए, छोटा सा एरिया विच दिस ट्रायंगल दिस रॉड इज मेकिंग विद टाइम, दिस इज माई डी ए एरिया। एरिया को एल डी एस आ गया, डी एस के जगह दिस डी एस, दिस डी एस के जगह मैं लिखूंगी एल डी थीटा, एल डी थीटा, कोई आपत्ति। सो हाफ ऑफ एल इंटू एल डी थीटा, तो एल स्क्वायर अपन टू डी थीटा, इट इज दिस इज माई डी ए एरिया। तुझे डी ए डी टी डीए बाई डी टी चाहिए था, डीए मिल गया। सो डी ए बाई डी टी क्या होगा, एल स्क्वायर अपन टू तो कॉन्स्टेंट हो गया, डी थीटा बाई डी टी, वॉट इज डी थीटा बाई डी टी, इज इन दैट ओमेगा, इज इन दैट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा डी टी। सो एल स्क्वायर अपन टू ओमेगा, तेरा डी ए डी टी क्या आ गया, b इंटू हाफ ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा, बोले तो हाफ 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 बी एल स्क्वायर ओमेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा, b ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए वाला क्वेश्चन इतना 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 पॉपुलर है, बहुत बार आए हैं, बहुत पेपर में आए हैं, बहुत सारे टीचर ने बहुत सारे नियम से इसको एक्सप्लेन किया है, सच्ची में किया है, थ्री फोर टाइप्स तो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। मुझे अच्छा लगता है फैराडेज लॉ से चालू करने का। इंड्यूस्ड ईएमएफ में बोले तो डी फाई डी टी, फाई बोले तो बी इंटू ए, बी को रख लो बी इज कॉन्स्टेंट, ए इज डी ए डी टी, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया देख लो, ट्रायंगल का एरिया डी ए डी टी, इधर डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा बना लो, बस आ गया एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू। सो बी इंटू एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंड दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दिस टू पॉइंट ओ एंड पी व्हेन दिस रॉड इज रोटेटिंग अराउंड ओ। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस वे लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस। इफ बेनिफिटेड टू वॉच।